कृषि मंडियों में क्रय विक्रय पर 2% शुल्क लगाने का विरोध जारी है। कोटा में बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में भामा शाह ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मंडी सचिव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजावत ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 2% शुल्क वापस नहीं लिया गया तो भामा शाह मंडी बंद कर दी जाएगी। इस दौरान राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियां भी जलाई गई। ये सरकार क्या है, किसानों की जेब काटकर अपना खजाना भरना चाहती है। अब किसानों पर पहले से ही 1.7% टैक्स मंडी टैक्स के रूप में सरकार ले रही थी, लेकिन अभी इस संकट के समय जब किसानों को राहत देना चाहिए उसकी जगह सरकार किसानों को आहत कर रही है। 2% टैक्स मंडी में जो भी जिन्स है, चाहे गेहूं है, सरसों है, धनिया है, इनके ऊपर चना है, इनके ऊपर 2% टैक्स।